हाय, वेलकम टू माय चैनल सिस्टम वेब टेक। इस वीडियो में हम फुल पेज स्लाइडर बनाना सीखेंगे जिफ इमेज के साथ भी और जेपीजी इमेज के साथ भी। तो देखेंगे एनिमेशंस हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, डेमो है फुल जिफ इमेज के साथ फुल पेज स्लाइडर। और उस सेकंड ये एक हमारा डेमो है जो कि इमेज पे चल रहा है फुल पेज स्लाइडर। आप देख सकते हैं अपने आप इमेजेस एनिमेट कर रही हैं। तो ये स्लाइडर कैसे बना सकते हैं हम, कोडिंग बहुत ही सिंपल कोड के साथ सीखेंगे। तो ये मैं सारा यही कोड है थोड़ा सा, तो इसको मैं डिलीट कर रही हूँ और प्रैक्टिकली करके देखेंगे। ये है और इसको हम डिलीट कर रहे हैं और मैं इसको सेव कर लेते हैं। और अब दोबारा से वापस से ये हमारा हट गया है फुल पेज स्लाइडर। तो और कोडिंग करके देखते हैं स्टेप वाइज। तो यहाँ पे हम बॉडी सेक्शन के अंदर कोड लगाएंगे। तो पिछली वीडियो में हमने टॉप हॉरिजॉन्टल नेविगेशन पार सीखा था, उसी के आगे कंटिन्यू करके टॉप नेविगेशन के आगे हम स्लाइडर कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे। तो हेड सेक्शन के अंदर कोड किया था लेकिन बॉडी सेक्शन में हमने कुछ कोडिंग नहीं की। तो अब बॉडी सेक्शन में हम कोड कर रहे हैं। सिंपल हम एक डिव लेंगे क्लास के अंदर स्लाइडर, और इस स्लाइडर का हम CSS स्टाइल करेंगे। तो चलते हैं अब बॉडी के अंदर एक डिव लिया, डिव मतलब बॉक्स क्लास स्लाइडर इन्वर्टेड कॉमास में। और अब यहाँ जो हेड सेक्शन के अंदर हमने स्टाइल लगाया था, ये हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल के अंदर अब हम कोड करेंगे स्लाइडर को। डॉट पहले डॉट लगाएंगे, क्लास के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, और ओपन और क्लोज ब्रैकेट। उससे पहले भी हम की फ्रेम्स सेट करेंगे, की फ्रेम्स एनिमेट, और इसका ओपन क्लोज ब्रैकेट करके इसके अंदर हम अपनी इमेजेस का URL देंगे 0% कॉमा 100%, और कर्ली ओपन ब्रेसेस के अंदर बैकग्राउंड इमेज कॉलन URL ओपन और क्लोज ब्रैकेट और सेमी कॉलन। और अपनी जो इमेज का नाम है वो है मेरा a.gif। तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ 100% तक, और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ अब की बार 25%, और मेरी जो इमेज का नाम है वो बी से है। यहाँ पे मैं ले लूँगी 50%, और यहाँ पे 75%, और जो मेरी इमेज का नाम है वो सी है और डी है। तो ये हो गए। अब ये मेरा कीवर्ड है एनिमेट, इसलिए मैं इसी एनिमेट को स्लाइडर के अंदर लेके जाऊंगी। एनिमेट को के अंदर एनिमेट एनिमेशन एनिमेट क्या करें 15 सेकेंड्स ईज इन आउट इनफाइनाइट, राइट। तो ये एक लाइन का कोड लिखा मैंने, साथ में अपनी इमेज का मैं दे सकती हूँ मार्जिन दे देती हूँ। सबसे पहले 40px
टॉप से मार्जिन, क्योंकि मेरे जो हॉरिजॉन्टल नेल पार्ट लिया था हमने, उसकी हाइट हमने 40 PX ली थी, तो 40 PX के बाद से ही शुरू हूँ। और हम हाइट विथ ले लेते हैं, हाइट 100%, विथ 100%। तो एक बार चल के दिखाती हूँ मैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये अभी शो नहीं हुआ। इसको हम पोजीशन दे देते हैं एब्सोल्यूट और देखते हैं, तो ये अभी भी नहीं आ रहा। टॉप से 0 और लेफ्ट से 0, हॉरिजॉन्टल नेविगेशन। तो ये यहाँ पे बैक हमारा इमेज स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, जी लगा देते हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि कैसा हमारा, रिफ्रेश करके, तो ये इमेज आ गई हमारी। बट आप देखेंगे ये जो इमेजेस आ रही हैं ये छोटी छोटी आ रही हैं, राइट? तो एक इमेज करने के लिए मैं इसमें बैकग्राउंड साइज कवर लगा देती हूँ, बैकग्राउंड साइज कॉलन कवर सेमी कॉलन। इसको सेव किया और रिफ्रेश कर रही हूँ मैं। तो अब आप देखेंगे अब एक इमेज हो गई, राइट? ऐसे ही हम इसमें बैकग्राउंड पोजीशन भी लगा लेते हैं। सेंटर और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, तो ये सेंट्रलाइज्ड हो गया ये पूरा, राइट? अब ऐसे ही आप हमारे टॉप नेविगेशन के ऊपर चीफ इमेज लग चुकी है। अब इसमें अगर हम जेपीजी की इमेज लगाना चाहें, चीफ लगा है ये इसलिए इसको मैं वन डॉट अपनी जेपीजी इमेजेस लगा रही हूँ, उसमें भी एक बार आप देख सकते हैं चिफ। और बहुत ही सिंपल कोड से कोडिंग है बताइए मैंने, और दोनों तरीके चिफ और जेपीजी दोनों तरीके का। अब इसको मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, तो आप देखेंगे मेरी जेपीजी इमेज स्लाइड हो रही है फुल पेज पे। इसका हम हाइट और विथ फिक्स करें तो 1400 PX हाइट और विथ दोनों की। और अब चल के देखते हैं अपना, तो देखेंगे आप फुल पेज स्लाइडर पे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड दिस फुल पेज स्लाइडर कोड। इफ एनी डाउट देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।
कीप शेयरिंग आवर वीडियोज, कीप शेयरिंग योर डाउट्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. कीप वॉचिंग आवर वीडियोज, प्रेजेंट इन द प्लेलिस्ट. बाय बाय, टेक केयर.